बच्चों, अभिजीत क्लासेस में आपका वेलकम है। अभिजीत क्लासेस में आपका स्वागत है। फैक्टराइजेशन के अंतर्गत इसके पहले एक वीडियो जारी हो चुकी है, उसी के कुछ शेष पार्ट हैं जिसकी चर्चा हम इस वीडियो में कर रहे हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर बच्चों फर्स्ट गिवन क्वेश्चन है 36x³y माइनस 60x² y³ z। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे बच्चों, हम 36 और 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, 36 का करते हैं यहां पर 36 2 से डिवाइड कीजिए, 2 1 2 2 8 16। अब ये 3 से डिवाइड होगा, 3 6 18, फिर 3 से डिवाइड होगा बच्चों, 3 2 6, फिर 2। क्लियर? इसी प्रकार 60 का भी फैक्टराइजेशन करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन 60। सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 2 है, स्मॉलेस्ट नंबर 2 ये क्या है, प्राइम नंबर है। इससे डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 30। फिर 2 से करेंगे 50, फिर 3 से करेंगे 3 5 15, फिर इसके बाद किससे करेंगे बच्चों, 5 से 5 1 5। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे, देखिए 36x³y है, इसकी मीनिंग क्या हो गई, 2 × 2 × 2 × 3 × 3। ठीक है, समझ में आ रहा है? फिर इसको बच्चों लिख सकते हैं x × x × x × y। क्लियर? अब इसके बाद है 60 x²y³z, इसकी मीनिंग हो गई 2 × 2 × 3 × 5 × x × x × y × y × y × z। क्लियर? अब इसमें देखिए बच्चों कॉमन फैक्टर्स, अब क्या निकालेंगे, कॉमन फैक्टर्स। तो एक तो ये हो गया हमारा कॉमन फैक्टर 2, सिमिलरली लिख देंगे 2, और फिर ये भी 2 हुआ × 2। ठीक है, और ये कॉमन फैक्टर 3 हुआ, यहां पर लिख दिया हमने 3, दिख रहा है ना, और कॉमन फैक्टर ये x हो जाएगा, x दोनों में अवेलेबल है, एक x हो गया, और कॉमन फैक्टर ये भी x हो जाएगा, ये वाला भी। ठीक, समझ में आ रहा है? और कॉमन फैक्टर y भी हो जाएगा, जेड को चलो ये y वाला भी हो गया एक कॉमन फैक्टर। क्लियर? और कोई कॉमन हो रहा है? और कोई कॉमन नहीं, 2 × 2 × 3 × x × x × y, इसी को बोलते हैं बच्चों XCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कितना आएगा, 2 2 4 4 3 12 12 x² y। क्लियर?
अब बच्चों इसको हम ब्रेक करेंगे। 36 को हम क्या लिख सकते हैं, 12x² y इंटू 3x। ठीक है, 36x³y को हम लिख सकते हैं 12x² y इंटू 3x। 60 को आप लिख सकते हैं, इसी बार में अगर ब्रेक करेंगे तो 12x² y ये 12 है, 12x² y इंटू 5y स्क्वायर क्लियर। अब इसमें 12x² y हम कॉमन ले सकते हैं। देखिए 12x² y इसमें भी है, 12x² y इसमें भी है, कॉमन ले लिया बच्चों 12x² y कॉमन लिया तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 3x - 5y² ये बच्चों आपका क्या हो गया, एल्फा। क्लियर, नोट कीजिए। नोट कीजिए राधे, प्रिय बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फर्स्ट पार्ट है, इसका जो है फैक्टराइजेशन करना है। पहले हम क्या करेंगे, 9, 6 और 12 का हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या करेंगे बच्चों, प्राइम फैक्टराइजेशन किसका करेंगे, 9, 6 और 12 का। ठीक है, पहले 9 का करते हैं, स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 3 होगा, 3 3 जा 9, अब 3 को डिवाइड कर दिया, 1 आ गया बच्चों। ठीक है, अब इसके बाद इसको छोड़ देंगे। अब इसके बाद 6 का करेंगे, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है, 2 3 जा 6, फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3। क्लियर, फिर इसके बाद 12 का करेंगे, स्मॉलेस्ट नंबर 2 2 6 जा 12, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3। यानी हमने 9x³ का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा बच्चों 3 × 3 × x × x × x। ठीक है, इसके बाद 6x² का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा बच्चों क्या, 3 × 2 × x × x, हमने ये कर दिया। अब इसके बाद जो है 12x का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा बच्चों क्या, 3 पहले लिख देते हैं, 3 × 2 × x। ठीक है, समझ में आया। अब इन सब का क्या निकालेंगे, कॉमन फैक्टर्स क्या फाइंड करेंगे बच्चों, कॉमन फैक्टर्स। 3 दोनों में कॉमन, तीनों में कॉमन है, क्लियर। और यहाँ पर देखिए x तीनों में कॉमन है, और कोई कॉमन है, बाकी कोई कॉमन नहीं, तो यहाँ पे लिख देंगे LCM निकाल लिया, क्या आया, 3 × x। LCM हमारा कितना आया बच्चों, 3x, कितना आ गया, 3x हमारा LCM आ गया। क्लियर, LCM कितना आया, 3x। क्लियर, अब इसको बच्चों ब्रेक कर देंगे, यहाँ पर सॉल्व करेंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं, 9x³ - 6x² + 12x
अब इसको थ्री के पार में ब्रेक करेंगे, थ्री एक्स इंटू थ्री एक्स स्क्वायर। अब ये इसको लिख सकते हैं थ्री एक्स इंटू टू एक्स। अब ट्वेल्व को लिख सकते हैं थ्री एक्स इंटू फोर एक्स, थ्री एक्स इंटू फोर एक्स है। यहाँ पे 12x ही था, 3x इंटू फोर, क्लियर। अब 3x इज द अवेलेबल गिवेन टर्म, वी टेक कॉमन। इस 3x को हम क्या कर सकते हैं बच्चों, कॉमन ले सकते हैं। समझ में आया कॉमन की मीनिंग क्या होती है? जो टर्म हम कॉमन लेते हैं उस टर्म से दिए गए सभी टर्म को डिवाइड कर देते हैं। इसके पहले हम बता चुके थे लेकिन इसमें ही बता दे रहे हैं, थ्री एक्स इंटू थ्री एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई थ्री एक्स, फिर बच्चों फिर ये माइनस थ्री एक्स इंटू टू एक्स, ये इंटू है इंटू टू एक्स डिवाइडेड बाई थ्री एक्स, फिर है थ्री एक्स इंटू फोर डिवाइडेड बाई थ्री एक्स, दिख रहा है ना। आप 3x से 3x कैंसिल आउट, इस 3x से ये 3x कैंसिल आउट बच्चों, इस 3x से ये 3x कैंसिल आउट, तो आया 3x, फिर ब्रैकेट में 3x स्क्वायर माइनस का 2x, माइनस का 2x प्लस का 4, ये बच्चों आपका हो गया n स्क्वायर। क्या हो गया इसको नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर टू का फर्स्ट हो गया, अब आइए क्वेश्चन नंबर टू का सेकंड सॉल्व करते हैं। प्रिय बच्चों क्वेश्चन नंबर टू का सेकंड पार्ट, टू का क्वेश्चन नंबर टू का सेकंड पार्ट गिवन है 8x स्क्वायर माइनस 72xy प्लस 12x। इसमें क्या करेंगे बच्चों, 8, 72 और 12 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो पहले 8 का करते हैं, 8 का करेंगे 2, 4 जा 8, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2, 2 जा एंड 2, 2 जा 4, 2, 1 जा 2। अब इसी प्रकार 72 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, क्या करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 से डिवाइड करेंगे 2, 3 जा 6, 2, 6 जा 12, फिर 2 से 2, 1 जा 2, 2, 8 जा 16। अब 2 से तो ये होगा नहीं, 3 से करेंगे, 3, 6 जा 18 है ना। अब फिर 3 से कर देंगे, 3, 2 जा 6 है ना, ये 2 से हो सकता था, 2, 9 जा 18, अब यहाँ पर 2 है 1, क्लियर। इसी प्रकार 12 से भी कर सकते, 12 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2, 2, 6 जा 12, ठीक है, 2, 3 जा 6, फिर ये 3 आ गया, 3, 1 जा 3, यानी हमने 8x स्क्वायर का प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ बच्चों 2 × 2 × 2 × x × x, क्लियर। इसी प्रकार 72xy इसका करेंगे तो क्या आएगा 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × x × y, क्लियर। अब क्या बच रहा है 12x, इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन 12x का करेंगे तो आएगा 2 × 2 × 3 × x, यहां लिख दे रहे हैं, इसे कॉमन लिया गया। अब इनका बच्चों निकाल लेंगे क्या, एचसीएम क्या निकालेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट
कॉमन फैक्टर, क्लियर। अब इसमें देखिए कॉमन कौन है, टू जो है तीनों टर्म में कॉमन है, और ये भी टू जो है तीनों टर्म में क्या है बच्चों, कॉमन है कि नहीं, और ये यक्स जो है तीनों टर्म में कॉमन है, यक्स तीनों टर्म में क्या है कॉमन है, हैं? तो क्या हुआ टू इंटू यक्स, ये इसको सॉल्व करेंगे टू टू जा फोर यक्स, फोर यक्स क्या गया हमारा है यक्स यक्स, है ना, समझ में आया। अब इसको बच्चों सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन 8x² - 72xy + 12x, अब इसका फैक्टर करेंगे तो इम्प्लाइज दैट 8x² को हम क्या लिख सकते हैं बताओ, 4x into 2x, 72 को 4x, अब कितना बचेगा है -18y, यही तो हुआ, 18 का 4 मल्टीप्लाई करें कितना आएगा 72। अब इसके बाद 12 को फैक्टर कीजिए, 12 का फैक्टर क्या होगा 4x into 3, अब 4x तीनों में क्या हो गया बच्चों कॉमन, इसकी मीनिंग क्या होती है 4x हम जो कॉमन लेते हैं प्रत्येक टर्म में से, ईच टर्म में से 4x से डिवाइड कर दिया जाता है, 4x into 2x / 4x, फिर -4x into 18y / 4x, फिर अगले स्टेप में क्या लिखेंगे 4x into 3, लिख रहा है ना, Yes sir, divided by 4x, क्लियर। अब 4x से 4x कैंसिल्ड आउट, इस 4x से ये 4x कैंसिल्ड आउट, इस 4x से ये 4x कैंसिल्ड आउट, क्लियर। Yes, ये बच्चों 4x ब्रैकेट में आया 2x, 2x माइनस 18y है प्लस 3, ये आपका हो गया आंसर, क्लियर। उसको नोट कीजिए, नोट कर लिया, मिटा दे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पोर्शन सॉल्व करेंगे, का ये थर्ड पार्ट है, आइए हम सब सॉल्व करते हैं। पहले क्या करेंगे 18, 27 और 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, क्या करेंगे बच्चों प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है 2 से डिवाइड करेंगे, 2 को सही बना लेते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 9 = 18, अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 = 9, फिर 3 से करेंगे 3 1 = 3, ठीक है। इसी प्रकार 27 का भी करते हैं, 27 3 9 = 27 है, 3 3 = 9, 3 1 = 3, ये हो गया। अब 36 है, 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 2 से, 2 1 = 2, 2 8 = 16 है ना, 2 9 = 18 है ना, फिर 3 3 = 9, फिर 3 से करेंगे 3 1 = 3, समझ में आया। अब इसमें कॉमन फैक्टर निकालेंगे, है ना, यहाँ लिखेंगे 18 a³ b³, इसको हम लिख सकते हैं क्या 2 × 3 × 3 × a × a × a, फिर b × b × b, क्लियर। Yes, अब इसके बाद 27 a² b³, 27 की मीनिंग क्या होगी 3
थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री, फिर इंटू ए इंटू ए इंटू, फिर बी इंटू बी इंटू बी, दिख रहा है ना? 836 ए क्यूब बी स्क्वायर, इसकी मीनिंग हो गई बच्चों क्या? 2 इंटू, अच्छा थोड़ा और इधर कर देते हैं, यहाँ लिख देते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू ए इंटू ए इंटू ए, फिर इंटू बी इंटू बी। अब इसका बच्चों निकालेंगे एच सी एफ, क्या निकालेंगे? एच सी एफ हाइजेस्ट कॉमन फैक्टर, क्या निकालेंगे? हाइजेस्ट कॉमन फैक्टर। तो वो 3 एक आया जो दोनों में है, ये भी 3 दोनों में है बच्चों, है ना? और क्या है, एक ये वाला ग्रुप देखिए, ए भी दोनों में है, और ये ग्रुप ए भी दोनों में है, और तुम्हारे हिसाब से कोई कॉमन नहीं है, लेकिन बी भी है, एक ये वाला बी जो है दोनों में है, और ये वाला बी भी है, ठीक है? क्या हो गया? 3 × 3 इंटू ए इंटू ए इंटू बी इंटू बी, ठीक है? इसको सॉल्व करेंगे, 3 × 3 = 9 ए स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये बच्चों क्या हो गया? एलसीएम, क्या हो गया? ये एलसीएम, ठीक है? अब इसके फार में हम इसको ब्रेक करेंगे, यहां से सॉल्व करेंगे सॉल्यूशन, एटीन ए क्यूब बी क्यूब माइनस 27 ए स्क्वायर बी क्यूब प्लस 36 ए क्यूब बी स्क्वायर, यही तो है, इस पार में ब्रेक कर लेंगे, यानी 9 ए स्क्वायर बी स्क्वायर इसमें से कॉमन लिया जाएगा, ठीक है? क्योंकि एस सी एफ हमें कितना निकाला? 9 ए स्क्वायर बी। अब इसको ब्रेक कर देंगे, ये लिखेंगे बच्चों 9 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या बचेगा? 2 ए बी इंटू, फिर इंटू कर देंगे 2 ए बी इंटू, ये इंटू की साइन है 2 ए बी। अब इसको भी ब्रेक करेंगे, 9 ए स्क्वायर, 9 ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, 9 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, 9 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है? 9 × 3 = 27 यानी इंटू 3 बी, समझ में आ रहा है? 36 को ब्रेक करेंगे प्लस 9, 9 ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू क्या आएगा? 9 × 4 = 26 यानी 4 ए आया, क्या आया? 4 ए, क्लियर? अब इसमें 9 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, 9 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, 9 ए स्क्वायर बी स्क्वायर हम कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन की मीनिंग होती है जो टर्म कॉमन लिया जाता है उस टर्म से गिवेन टर्म को डिवाइड किया जाता है, ठीक है बच्चों? तो 9 ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू 2 ए बी में हम डिवाइड करेंगे, 9 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर माइनस 9 ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू 3 बी में डिवाइड करेंगे, 9 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, क्लियर? समझ में आया? अब यहाँ पर ये बच रहा है, इसको अलग कर देते हैं, अलग है,
प्लस का 9 ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू 4a में डिवाइड करेंगे 9 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है, इसको और छोटा कर देंगे। समझ में आ रहा है? ठीक। अब 9 ए स्क्वायर बी स्क्वायर से 9 ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल, इसमें 9 ए स्क्वायर बी स्क्वायर से 9 ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल, इसमें 9 ए स्क्वायर बी स्क्वायर से 9 ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल। तो ये आया बच्चों 9 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब यहाँ पर 2ab माइनस का 3b प्लस का 4a, ये आपका क्या आ गया बच्चों? आंसर। ठीक है, इसको नोट कीजिए। मिटा दें? यस सर। प्रिय बच्चों, अब हम क्या करेंगे 14, 21 और 28 का हम क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, तो 14 का हो जाएगा 2 7 14 और 7 1 7। ठीक है, अब इसी प्रकार 21 का करेंगे। 21 है तो 3 से डिवाइड होगा, 3 7 21 है, 7 1 7। क्लियर? अब इसी प्रकार क्या रह गया है 28 का करेंगे बच्चों, तो 2 1 2 2 4 8 2 7 14 7 7। ठीक है, यहाँ पर कर दे रहे हैं, ये हुआ 14x2 का मतलब हुआ 2 × 7 × x × x × x। अब इसके बाद है 21x4, ये 20 है बच्चों, 21x4y, इसकी मीनिंग हो गई 3 × 7 × x × x × x × y। क्लियर? फिर 28 x स्क्वायर y स्क्वायर का कर देंगे, कितना आया है 2 × 2 × 7 × x × x × y × y। अब देखिए जो तीनों में शामिल हो वही कॉमन फैक्टर निकालेंगे। क्या निकालेंगे? पहले कॉमन फैक्टर, एक तो 7 वाला बन रहा है कि नहीं बन रहा है, और एक बच्चों x का भी बन रहा है, यानी x का भी हम कर देंगे, और क्या बन रहा है, एक x इसका भी बन रहा है। क्लियर? और कोई कॉमन नहीं है, तो ये हो जाएगा HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन सेवन इंटू एक्स इंटू एक्स, क्या हो गया 7x2, क्या हुआ 7x2। ठीक है, अब यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं। सॉल्यूशन 14x2 + 21x4y − 28x2y2। अब इसको ब्रेक करेंगे, इंप्लाइज दैट क्यूब को बच्चों ब्रेक कर देंगे 7x2 × 2x। ठीक है, और इसको 7x2 × 3x²y, 28 को 7x² × 4y²। क्लियर?
तो क्या हुआ, 7x² तीनों में ऑलरेडी क्या है, कॉमन है, तो इसको कॉमन कर लेते हैं, अब फिर डायरेक्ट कर दे रहे हैं, 7x² कॉमन कर लेंगे, क्या बचेगा, 2x + 3x² y - 4y² क्लियर, समझ में आया, 2x + 3x² y - 4y² यही बच्चों आपका हो गया आंसर, इसको नोट कीजिए, बता दें, बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड, इस क्वेश्चन को देखने से ही लग रहा है कि हम इसमें क्या करें, -5 को कॉमन लेने की मीनिंग ये हो गई कि -5 में -5 से डिवाइड करेंगे, -10t में -5 से डिवाइड करेंगे, फिर +20t² में -5 से डिवाइड करेंगे, क्लियर। अब यहाँ पर देखिए, ये बच्चों -5 हुआ, -माइनस का डिवाइड क्या होता है, प्लस, कड़ी बताए थे, -माइनस का डिवाइड क्या होता है बच्चों, प्लस, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है, अगर प्लस का डिवाइड किया जाए तब क्या आता है, प्लस का डिवाइडेशन प्लस है ना, इसी प्रकार बच्चों अगर एक प्लस रहे दूसरा माइनस रहे इसका डिवाइड क्या होता है, माइनस, या एक माइनस में रहे फिर प्लस से डिवाइड करें तो क्या आएगा, माइनस, ठीक है, याद कर लीजिएगा, माइनस का डिवाइड प्लस, 5 से 5 डिवाइड हुआ बच्चों क्या आ जाएगा, 1, माइनस का डिवाइड प्लस, 5 का जो है इससे डिवाइड करेंगे तो आएगा 2t, समझ में आ रहा है, 5 से 5 डिवाइड, 1 5 × 5 = 10 क्लियर। आप देखिए प्लस माइनस का डिवाइड है, 5 × 5 = 5 प्लस माइनस का डिवाइड है, प्लस माइनस का डिवाइड क्या आता है, -4t², ठीक है, ये आपका हो गया आंसर, इसको नोट कीजिए, आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है, उसमें केवल ध्यान देना है कि हमें किसे कॉमन लेना है। प्रिय बच्चों नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, सेकंड टाइप, फैक्टराइजेशन, व्हेन ये बाइनोमियल इज कॉमन, फैक्टराइजेशन व्हेन ए बाइनोमियल इज कॉमन, ठीक है, गुणनखंड करना जबकि द्विपद उभयनिष्ठ है, क्लियर। जैसे बच्चों हमने लिखा क्वेश्चन है 5a, क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन कौन चल रहा था, ये 4 है ना, 4 का फर्स्ट पार्ट, यानी 5a 2x - 3y है, 2x - 3y फिर प्लस 2b ब्रेकेट में है बच्चों, 2x - 3y, इसमें बाइनोमियल कौन है, 2x - 3y, ये दोनों में क्या है, अवेलेबल है, ये दोनों टर्म में क्या है, प्रेजेंट है, ठीक है, इसलिए इसे हम कॉमन ले सकते हैं, अंडरस्टूड दिस टॉपिक, यानी कॉमन ले लेंगे बच्चों, ये बचेगा 2x - 3y टेकिंग कॉमन, तो दूसरे ब्रेकेट में आ जाएगा, केवल बचेगा 5a + 2b, यही आंसर हो गया, क्लियर, इसको लगाइए, इसका फोर्थ का सेकंड पार्ट है, इसको भी देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, गिवन है 8 4x
4x plus 5y का स्क्वायर माइनस का 12 4x plus 5y। क्लियर? अब इसमें देखिए जो दोनों में अवेलेबल हूं, देखो 4 8 जो है 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 2 जा 8, 4 3 जा 8, 4 2 जा 8, 4 3 जा, यानी 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 एक कॉमन ले लेंगे हम, ठीक है, 4 हमने कॉमन ले लिया, समझ में आ रहा है बच्चों? 4 क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे और बाइनोमियल कॉमन लेंगे, बाइनोमियल क्या दिख रहा है, 4x plus 5y, तो दूसरे ब्रैकेट में, यानी हम ब्रैकेट ये बना दे रहे हैं या इस ब्रैकेट को बना दे रहे हैं, क्लियर? 4 से डिवाइड करेंगे, 4 2 या 8, और 4x plus 5y को डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, 4x plus 5y, क्योंकि इसका स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है, 4x plus 5y का स्क्वायर है, क्लियर? प्रिय बच्चों, हमने कॉमन लिया 4x plus 5y, 4 कॉमन लेंगे, 8 में 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 2 जा 8 आ गया, अब यहाँ पर पावर 2 है, 4x plus 5y से 4x plus 5y यानी पावर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 4x plus 5y, अब 4 से हम 12 को डिवाइड करेंगे, 4 को 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, -3, ठीक है, और 4x plus 5y से 4x plus 5y को डिवाइड करेंगे इनटू 1 आएगा, तो एट इट इज हम 3 लिख सकते हैं, अगले स्टेप में होगा बच्चों 4x plus 5y, अब इसमें 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 4 जा 8x, 2 5 जा 10y, -3, है ना, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, क्या हो गया बच्चों, आंसर, इसको लगाइए,